ड्राइंग क्या देती है हमें? भूख, बीमारी, मौत। मौत दूसरे के घर में बुरी लगती है लेकिन अपने घर में बर्दाश्त नहीं होगी। देखो, मैंने मालिकों के साथ बात कर ली है, उन्होंने वेतन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, तो फिर ये स्ट्राइक क्यों? ये वक्त बहुत खराब है, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो चुका है, हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। अरे फ्रंट पे बैठे सिपाही के लिए कपड़ा चाहिए। देखो देखो कैसे घुमा फिरा के बात कर रहा है अंग्रेजों का चमचा। ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई है, अंग्रेजों की अपनी लड़ाई के लिए हिंदुस्तानियों को मरना पड़ेगा, इसलिए कि हम उनके गुलाम हैं। बंबई का हर वर्कर इस स्ट्राइक में शामिल है, सारी फैक्ट्रियों में काम बंद है। ये हमें गद्दार बनाना चाहता है अंग्रेजों का चमचा। दुनिया के मजदूर एक हो। स्ट्राइक। आवाज नीची करो, आज नहीं बिगड़ जाएगी। कम है जाने। दिन में कितने आइसक्रीम खाते हो? दो ना? दो, चार, पांच सौ। अभी तुमको ये आइसक्रीम खिलाएंगे, उसके बाद इससे होने वाली बीमारियां पैदा करेंगे और उसकी दवा भी खुद बनाएंगे, वो भी तुमको खानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? खाओ खाओ खाओ, पिघल रही खाओ। कंट्रोल योर नेसेसिटीज बेटा, फर्स्ट स्टेप फॉर इकोनॉमी कंट्रोल। इकोनॉमिक्स पढ़ते हो? No, yes. कौन सी आइसक्रीम है ये? अमेरिकन है। क्यों? अच्छी है क्या? कमबख्त हमारा जायका तक बदल देना चाहते हैं। डाउन विथ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। कैपिटलिज्म जानते हो? नहीं, हमारे कोर्स में नहीं। डाउन विद कैपिटलिज्म। हे आइसक्रीम ओल्ड मैन। कितना हुआ मेरा बिल? 450। 450 कैसे? ये एक डिब्बा तेल का है, एक ये शू पॉलिश और एक ये वेफर का पैकेट। 65 किस चीज के? वेफर्स के। अरे एक पैकेट वेफर के 65 रुपए कैसे? अरे देखो 8 रुपए किलो आलू मिलते हैं। मैडम ये स्पेशल आलू से बना है, मेरे वसुनिया हेल्थ फार्म के पोटैटो से। अरे भाई दुगना दाम लगा लो ना, अपने हेल्थ फार्म के आलू के 16 रुपए किलो होंगे। देखो मैं घर में बनाऊ ना तो 15 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होता है। मैडम आपको लेना पड़ेगा, अब तो ये स्टोर हो गया मशीन में। एक मिनट, कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। मैडम आप बताइए क्या दिक्कत है? हाँ ये देखिए, एक पैकेट वेफर के 65 रुपए मांग रहा है। आप इस वेफर के पैकेट को पकड़िए, ऐसे घूम जाइए, थोड़ा इधर खड़े हो जाइए ताकि मैं आपका फोटो ले सकूं। अच्छा, इस पैकेट के साथ। आपका पैकेट का पीछे दुकानदार के साथ। क्या कर रहे आप? फोटो कैसे खींची, कहाँ से आप? कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। कस्टमर प्रोटेक्शन स्क्वाड। मैडम मुझे आपका नाम और पता चाहिए होगा। क्यों, नाम और पता क्यों? एक और नागरिक ने आवाज उठाई है। हेलो, यस स्पीकिंग। आपकी मेरे को लगता है बॉस से बात करना चाहती है, हा? मेरी बात कराएगा उनसे, हा? मुझे सारी बातें क्लियर करनी है। ओके यस मैडम। हेलो डैड, मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन के लिए। आप कुछ नहीं हो, आप अभी आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैडम मेरी बात सुनिए। एड्रेस भी ले लिया है मैडम। वेयर आर यू डैड? मैडम मेरी बात सुनिए, आप बाद में फोन कीजिएगा। रुकिए मैं आपको लेने आ रही हूँ। नाम? आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है? आप मेरी बात कराएगा उनसे, मैं उन्हीं से बात करूंगा। ये नाम बताने में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, आप पहले बात कीजिएगा। नहीं, फोटो मैंने ले ली है प्रोडक्ट की, कस्टमर की, दुकानदार की। जी दुकान के बाहर से ले लूं? पुलिस स्टेशन चली। एक मिनट,
इसका कुछ दाम ज्यादा है। अरे भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई परचून की दुकान थोड़ी है। बार उल्टा पकड़ रखा और कोई बात नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। आज तारीख क्या है, तारीख क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर 1967। उस वक्त तो मैं बिहार में था, 15 लोग थे जो अरेस्ट हुए थे। 25 दिन की मैंने हंगर स्ट्राइक की थी। कमबख्तों ने मुझको नींबू पानी पिला दिया, नहीं तो मैं उसको। सुनो खा, अब इतना ज्यादा झूठ भी मत बोला करो कि सुनने वाले तक को पाप चढ़ जाए। क्यों? उस दिन तुमने मुझसे बोला था कि तुम 1967 में चीन गए थे और वहां तुमने सांप खाया था, और आज तुम कह रहे हो कि अनशन पे बैठा था। झूठ फिर झूठ। मकबूल मियां उम्र हुए लेकिन याददाश्त आपकी बहुत कमाल की है। मेरा बस चलता, मैं आपको इस बात पे वजीफा दे देता। वल्लाह मिल जाता तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप लोग वहां उस बेंच पे बैठ जाएंगे? क्यों? हम लोग यहाँ बैठना चाह रहे थे। हम पहले यहाँ आए हैं, हमने पहले चाहा है तो हम बैठे हैं। आप चले जाइए वहाँ उस बेंच पर, सब बेंच एक जैसी तो हैं। यार ये बुड्ढे बहस क्यों करते हैं? बहस करना अच्छी बात होती है। अंकल ऐसा है, आप वहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठेंगे, शराब पियेंगे, चले जाएंगे, वापस आके बैठ जाना आप। मिया और टहल लेते हैं। ये कहे तो हम टहल लेते हैं, ये कहे तो हम खड़े हो जाते हैं। क्यों भाई? इनको शराब पीनी है यहाँ शराब, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये पब्लिक प्लेस बार कम पार्क हो गई हो। क्यों भाई? और फिर भी इनको अगर कानून तोड़ना है तो सीना खोल के तोड़े, जाएं बैठे पार्क के बीचों बीच जो बेंच है उस पर बैठ कर थोड़े होके पिए। हमने कौन सा मना किया? हमारे सामने जवानी का दम भरते हैं। हम लोग जवान थे बेटा तो जमते थे, आप लोगों पर तो जवानी ने जैसे चढ़ने से मना कर रखा है। कर दी ना हमारी शाम बर्बाद, बोल लो।